तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग का आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 47th मैच जो कि खेला जाएगा पटना पायरेट्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में। तो जैसा कि भाई कल दिन वाले मैच में मतलब दिन वाले थे भाई, दोनों मैच रात को ही खेले जाते, बट जो कल पहला मैच खेला गया था उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था कि उस मैच में आपके लिए डिफेंडर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भाई सेम कंडीशन आपको इस मैच में भी देखने को मिलेगी, सिर्फ इस मैच में आपके लिए मतलब डिफेंडर और रेडर मतलब इंपॉर्टेंट तो दोनों ही रहेंगे, बट यहां पर डिफेंडर्स का रोल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीजन अभी आपको जैसे जैसे आप वीडियो कंप्लीट देखोगे और आपको पता लग जाएगा। कल भाई जो दूसरा मैच खेला गया था जयपुर का और दिल्ली का, उसमें भाई मैंने क्लियरली बोला था कि मैं आपको 4 जीएल की टीम दूंगा और उसमें से भाई मतलब आप जिस भी भाई ने लगाई होगी ना इजिली क्लीन स्वीप, क्योंकि एक में हमारे कैप्टन थे सोल कुमार जिसने अकेले बंदे ने 8 टैकल पॉइंट लिए थे, अकेले बंदे ने 8 टैकल पॉइंट लिए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी हमारे लिए जैकपॉट लगी थी। और कुछ भाई ने यहां पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यहां पर टेलीग्राम ओपन करके, अगर मेरे को वो स्क्रीनशॉट मिलते हैं तो। ये भाई हमारे आज के बिग बैश का पहला मैच बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया, दूसरा मैच भी अभी तक बिल्कुल अच्छा जा रहा है। यहाँ पर आप देखो भाई बिल्कुल रैंक एक हमारे ही बंदे की आई हुई है, ऊपर आप देख सकते हो ठीक है। इसके अलावा यहाँ से देखो बात करेंगे और भी भाई यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज आए थे, बट मैं आपको यार कहाँ पर बताऊँ दूसरे मैच के स्क्रीनशॉट शायद भाई मैं यहाँ पर डालना भूल गया, लेकिन भाई कल के दोनों मैच हमारे अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप थे, बिल्कुल अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फाइनल टीम की फाइनल अपडेट सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके भाई सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और सिर्फ भाई हमारे लिंक से ही आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्योंकि भाई देखो अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं करोगे तो उसके कुछ नुकसान आपको ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे नाम पर भाई काफी सारे फेक चैनल बने हुए हैं, और भाई अगर आप गलती से उनके पास फंस जाते हो तो भाई वो मेरी ही टीम सेम मेरे ही टेलीग्राम चैनल से कॉपी करके आपको पेड में दे देंगे, जो टीम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं उसके लिए ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। और भाई कबड्डी के मैच हमारे लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप जा रहे हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कबड्डी में जैकपॉट विनिंग दिलवाने वाला हूं इस पूरे सीजन में। क्यों बोला था? क्योंकि भाई मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो भाई कबड्डी में अपना खुद का इंटरेस्ट है और साथ ही साथ भाई नॉलेज काफी ज्यादा कबड्डी की, तो इसीलिए भाई यही मेरा मेन रीजन है कि मैं आपको मतलब कबड्डी में अच्छी विनिंग करवा रहा हूं, और इसीलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए एक बार है ना दोनों टीम के लास्ट मैच यहां पर देख लेते हैं, उससे क्या होगा हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी टीम का पलड़ा यहां पर आपको थोड़ा सा भारी देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको यह बात तो क्लियरली बता दी कि दोनों टीम्स का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है ठीक है। अब यहां से बात करते हैं भाई यू मुंबा के लास्ट मैच की, जो इन्होंने भाई तेलुगु टाइटन्स के अगेंस्ट में विन किया था काफी इजीली। यहाँ पर अगर बात करें तो अभिषेक सिंह भाई 13 रेटस लेके आए थे, वी अजीत कुमार जो भाई लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, तो अब इनके लिए देखना मतलब इनके लिए हमारे लिए ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये फिट हो गए हैं या फिर नहीं, या फिर ये स्टार्टिंग 7 में होते हैं नहीं होते। अगर भाई ये स्टार्टिंग 7 में नहीं होंगे तो भाई सच में यू मुंबा के लिए काफी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अजीत कुमार ने काफी बड़ा रोल प्ले किया हमेशा से यू मुंबा की जीत में इस सीजन में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर भाई ये इन अनफिट होते हैं तो भाई आप ये मान सकते हो कि पटना यहाँ पर आपके लिए क्लियर फेवरेट होगी, बट अगर ये फिट होते हैं तो भाई बिल्कुल टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। रिंकू एचसी की बात करें तो लास्ट मैच में 7 टैकल अकेले बंदे ने किए, फजल भी अब फॉर्म में आ चुके, अरेंद्र कुमार ने लास्ट मैच में 4 टैकल किए और 2 टैकल भाई यहाँ पर आशीष कुमार ने किए। वही अगर बात करें यहाँ पर मोहसेन की तो मोहसेन ने भाई यहाँ पर 2 बोनस पॉइंट निकाले। इसके अलावा भाई अजिंक्य कापरे की बात करें तो 1 टच पॉइंट इन्होंने निकाला। अब यहाँ पर भाई बात करते हैं थोड़ा ऊपर चलकर पुनेरी का नाम आ रहा भाई पटना पायरेट्स की ठीक है। तो पटना पायरेट्स भाई तमिल थलाइवास के अगेंस्ट में यहाँ पर बिल्कुल टाई मैच खेल के आ रही है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि दोनों टीम का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग, और इसीलिए भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टैकल में यहाँ पर देखो 8-8 पॉइंट आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दोनों टीम होने वाली है, और मतलब दोनों ही टीम यहाँ पर अगर बात करें तो यू मुंबा और पटना दोनों का डिफेंस काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ से मोनू गोयल और
हो यहाँ से भाई, सचिन तनवर कहाँ पे, यहाँ पर भाई सचिन, ये तो आपके लिए मेन रेडिंग का काम करने वाले हैं पटना पायरेट्स के लिए, तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है, दोनों को नहीं ना तो दोनों में से कोई एक आपकी टीम में होना चाहिए। भाई अगर बात करें, देखो अब आपको यहाँ पर एक मैं ऐसे प्लेयर के बारे में बताऊंगा पटना के जो मतलब किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं है, बट वो आपके लिए इस मैच में अल्ट्रा क्लीनशिप वाला प्लेयर बन के निकल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा निकलेगा ही, बट भाई उसके काफी ज्यादा चांसेस है, रीजन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते पहले जल्दी जल्दी पॉइंट्स के, यहाँ पर भाई मोनू गोयत ने टोटल 9 पॉइंट लिए थे, इसके अलावा यहाँ से प्रशांत कुमार राय ने 7 पॉइंट लिए थे, गुमान सिंह ने भाई यहाँ पर 4 पॉइंट लिए थे, 2 टच 2 बोनस है। इसके अलावा एस चियाने की बात करें तो बेहतरीन से भी ऊपर का डिफेंडर है, राइट कॉर्नर पर आपको दिख जाएगा 3 पॉइंट, नीरज कुमार भाई यहाँ पर राइट कवर पर दिखेगा आपको 3 पॉइंट इन्होंने लिया। इसके अलावा ऐसे बात करें तो सचिन ने 2 टच पॉइंट लिए, इसके अलावा सुनील ने भी एक टैकल किया हुआ था। अब चलिए भाई सीधा चलते आपको ड्रीम इलेवन पर लेके चलता हूँ, और फिर भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कौन सा प्लेयर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो देखो सबसे पहले भाई बात करेंगे पटना के रेडर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं पटना की टीम कर लेता हूँ ऊपर, तो ऐसे पटना के रेडर कौन कौन, भाई मोनू गोयत, ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भाई सचिन तनवर, इसके अलावा भाई यहाँ से आपको दिखेंगे प्रशांत कुमार राय। तो प्रशांत कुमार राय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकते हैं, ठीक है। प्रशांत के पास थोड़े से ज़्यादा चांसेस अगर कंपेयर करें इन दोनों रेडर्स की, क्योंकि ये भाई सीधा जाएंगे राइट कॉर्नर से, मतलब राइट साइड से रेड स्टार्ट करेंगे, तो भाई यहाँ पर आपको मिलेंगे फजल, तो फजल भाई पॉइंट यहाँ पर नहीं निकालने देगा, फजल भाई काफ़ी मजा हुआ खिलाड़ी है। यहाँ से अगर बात करें तो सचिन भी यहाँ से भाई राइट से ही जाएंगे, तो भाई दोनों के लिए फजल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और फजल आज आपको काफ़ी अच्छे खासे टैकल करता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये मान लो कि टीम के 90% रेड यहाँ पर मोनू गोयत और मतलब जो सचिन तनवर है वही करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मान लो चलो 90% छोड़ दो, 70% रेड भी अगर मान लो यही करते हैं, और अगर मान लो गलती से फजल इन्हें दो दो बार भी टैकल कर देते हैं, तो भाई आप सोच सकते हो फजल हमें अकेला मतलब इस मैच में 80-90 पॉइंट दे जाएगा, आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का काफी अच्छा दावेदार होने वाला है। ऑलराउंडर सेक्शन में आप देखो, चलो यहाँ से आप बात करते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर मुंबई के रेडर्स दिखाता हूँ आपको, तो भाई ये दोनों आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो यहाँ से भाई देखो अभिषेक सिंह के लिए इस मैच में पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये सीधा जाएंगे एस चियाने के पास, जो भाई मेरे हिसाब से पॉइंट इस मैच में नहीं निकालने देगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डिफेंडर है, और शायद आपको इस मैच में अभिषेक सिंह भी इतने कुछ खास परफॉर्मेंस करते ना नजर आए। तो अब आपके लिए यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इसका यार आशीष कुमार आपके लिए एक बहुत ही बड़ी डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकता है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। साथ ही मोहसिन को अगर आप लेना चाहो तो मोहसिन को भी ले सकते हो। अब ऐसे एक बार मैं भाई दोनों टीम्स के प्लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब भाई मैं आपको सीधा टीम बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, 4 GL की टीम आपको आज फिर से मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना है। अब सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे रेडिंग सेक्शन में, तो यहाँ से देखो अगर अजीत कुमार फिट होते तो मैं अजीत कुमार को अपनी टीम में लूँगा, अगर अजीत कुमार फिट नहीं होंगे तो भाई मैं प्रशांत कुमार राय या फिर भाई अभिषेक सिंह, इन दोनों में से किसी के साथ जा सकता हूं। अभी के लिए मैं सिर्फ यहां से वी अजीत कुमार को ट्राई कर रहा हूं। बात करें अगर यहां से ऑलराउंडर सेक्शन में, सचिन तनवर हमारी टीम में रहेंगे, और यहां से एम चियाने को मैं ट्राई कर रहा हूं। अब हमारे पास यहां से 2 रेडर हो गए, एक भाई यहाँ से हो गया यू मुंबा का, एक हो गया भाई यहाँ से पटना पायरेट्स का। अब चलते हैं भाई डिफेंडिंग सेक्शन में, यहाँ से भाई हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे पिक अवेलेबल है। 15 पॉइंट में हमने भाई फजल अतरच अली को अपनी टीम में शामिल किया। इसके अलावा यहाँ से पटना की बात करें तो यहाँ से भाई देखो सुनील हमारे लिए काफ़ी डिफरेंशियल पिक हो सकता है। इसके अलावा रिंकू एससी को आपको ट्राई कर लेना, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपके लिए यहाँ से हो सकता है। और यहाँ से अगर बात करें तो नीरज कुमार आपके लिए बेहतरीन पिक रहेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो ऐसे सुनील को ड्रॉप करके सी सचिन के साथ भी जा सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सुनील इस मैच में आपके लिए काफी बड़ी जीएल की पंट भी रह सकता है, और स्मॉल लीग में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की टीम भाई अभी के लिए मेरी होने वाली है। अगर यहां से वी अजीत कुमार अनफिट होते हैं तो ऐसे भाई मेरे पास आधा क्रेडिट बचा हुआ है, तो यहां से 16 क्रेडिट में शायद मेरे को मिल जाएंगे यहाँ से भाई अभिषेक सिंह, तो मैं अभिषेक सिंह को ले लूँगा। इसके अलावा भाई ऑलमोस्ट मेरी ये फाइनल टीम है। अब यहाँ से बात करें अगर सीवीसी की, तो कैप्टन देखो अभी के लिए मैं बना रहा हूँ एम चियाने को, और वॉइस कैप्टन बना रहा हूँ मैं फजल अतरच अली को। आप अगर सेफ जाना चाहो तो यहाँ से भाई आप कैप्टन वी अजीत कुमार को, वॉइस कैप्टन आप यहाँ से मतलब एस तनवर को भी दे सकते हो, या फिर कोई और रेडर लेते हो तो आप उसके साथ जा सकते हो। सॉरी रिंकू एच भाई एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और वैसे भाई ओवरऑल लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप चाहो तो इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए मेरी ये टीम फाइनल होने वाली है,
उन प्लेटफॉर्म के लिए जहां पर आपको क्रेडिट का इशू आ रहा है, बट अगर जहां पर क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा वहां पर भाई मैं आपको लेके चलता हूं। मैं भाई खेलता हूं यहां पर 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन पर, बाकी अगर आप चाहो तो आप कहीं भी खेल सकते हो जहां पर क्रेडिट इशू ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपका पैसा आपकी मर्जी, आप चाहो तो क्रेडिट इशू वाले प्लेटफॉर्म पर भी खेल सकते हो, बट मेरे हिसाब से भाई आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करोगे जहां पर आपको कोई भी क्रेडिट इशू ना आए। अब यहां से मैं अपनी टीम देखो चूज करके दिखाता हूं, बेस्ट टीम यहां से देखो भाई मैं मोनू गोयल के साथ जा रहा हूं, यहां से मैं सचिन तनवर के साथ नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, यहां से मैं एम चियाने को अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा भाई यहां से और कोई मैं प्लेयर चूज कर नहीं रहा। रेडिंग सेक्शन भाई यहां से मैं अभिषेक सिंह को ले रहा हूं, वीरजीत कुमार अगर फिट होंगे तो मैं इनको भी ले लूंगा, ठीक है। अब यहां से भाई बात कर लेते हैं, सॉरी भाई यहां से वीरजीत कुमार को मैं अभी के लिए ड्रॉप, सॉरी अभी के लिए यार मैं अभिषेक सिंह को ड्रॉप कर रहा हूं। अगर वीरजीत कुमार फिट नहीं हुआ तो भाई आज मैं यहां से अभिषेक को अपनी टीम में ट्राई करूंगा। फजल अतरसली को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। इसके अलावा भाई यहां से अगर बात करें तो नीरज कुमार हमारी टीम में 101% रहेंगे, सुनील को मैं ट्राई कर रहा हूं, और यहां से नीचे अगर आप आओगे तो रिंकू एचसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई मेरे हिसाब से और कोई प्लेयर आपको ऐसे दिखेगा नहीं। आर सेतपाल को भाई आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट होकर कभी भी आ सकते हैं, और अगर ये आके 5-6 पॉइंट 5-6 तो क्या भाई 2-3 पॉइंट भी निकाल लेंगे तो भाई आपके लिए जीएल के लिए बहुत ही बेहतरीन पिक हो जाएंगे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए भाई कुछ इस प्रकार की हमारी टीम होने वाली है। सीवीसी आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो बिल्कुल अगर आपको सेफ जाना है तो, और इसके अलावा भाई अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आपके लिए ये 3 CVC और भी है तो आप इन तीनों में से किसी के साथ जा सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर, अभी के लिए मैं एक बार टीम सेव कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो अभी के अभी, और फाइनल टीम का प्रीव्यू एक बार मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा यहां से। तो ये भाई मेरी फाइनल टीम है, अब नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भाई ज्वाइन कर लेना क्योंकि देखो फाइनल टीम के बिना भाई आपकी विनिंग होना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ भाई आपको ये काम और भी कर लेना है कि फाइनल टीम आप सेव करके रख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।